आज हम चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थायी चुंबक। हम स्थायी चुंबक के बारे में अध्ययन करते हैं, स्थायी चुंबक। तो स्थायी चुंबक जो है वो आकृति के हिसाब से हमने उनका वर्गीकरण किया है, जैसे छड़ चुंबक, घोड़े की नाल यानी हॉर्स शू, और कंपास निडल, रिंग चुंबक, बेलनाकार चुंबक। तो आकृति के अनुसार हम इनको देख सकते हैं कि छड़ चुंबक जो है आपको छड़ की तरह दिखाई देता है, घोड़े की नाल जिसको हॉर्स शू चुंबक बोलते हैं वो यू आकृति में दिखाई देता है, इसे यू चुंबक भी बोलते हैं। बेलनाकार चुंबक जो है वो इस तरह से दिखाई देता है, कंपास निडल जो है वो आपको इस आकृति में दिखाई देती है, और ये रिंग चुंबक जो आपके स्पीकर में लगता है। देखिए चुंबक आकर्षित करता है, यहाँ पर चुंबक आकर्षित करता है, यहाँ चुंबक आकर्षित करता है, कंपास निडल पे पीछे पारा, यहाँ चुंबक आकर्षित करता है। यदि हम आलपिन ले जाएं तो ये आलपिनें इनकी तरफ आकर्षित करती हैं, आकर्षित हो जाती हैं आलपिन। आलपिन यदि हम लगा देते हैं तो इन पर आकर्षित हो जाती हैं। तो चुंबक का गुण ये है कि ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब हम इनकी विशेषताओं का अध्ययन करते हैं कि ये कीपर जो है ये भी चुंबक का ही एक पार्ट है। चुंबक को जब हम रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो उस वक्त हम इस कीपर का इस्तेमाल करते हैं। कीपर का चुंबक की विशेषता है कि असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हमारे पास चुंबक है जिसमें आप देखते हैं कि ये एस पोल है, यहाँ पर एन पोल लिखा हुआ है, और इस पर भी यहाँ जो है एन पोल लिखा हुआ है। ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो ये एन पोल है और ये एन पोल है, तो समान असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो असमान पोल में ये एन है और ये एस है, मैं इसको पास में लाता हूँ तो ये आकर्षित करते हैं, असमान पोल आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरीके से ये पोल भी आकर्षित कर रहे हैं, असमान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो समान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो हम यहाँ पर जो है S, ये S पोल है और यहाँ पर ये S पोल है। S पोल को S पोल के पास में लाते हैं तो हम देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसी तरीके से N पोल जब हम पास में ला रहे हैं तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। चुंबक के टुकड़े कर देने पर प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब हम चुंबक के टुकड़े कर देते हैं, ये एक चुंबक है, इसके जब हम टुकड़े कर देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा जो है स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है। प्रत्येक टुकड़ा स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करता है और उसके दो पोल बन जाते हैं। तो चुंबक के दो पोल होते हैं, तो चुंबक का टुकड़ा कर देने पर प्रत्येक चुंबक स्वतंत्र चुंबक बन जाता है। यदि उनको पास पास में रख देते हैं तो वापस से वो पुनः एक चुंबक बन जाते हैं। इनके कीपर लगा देने चुंबकीय बल रेखाएं आसान रास्ता तय करती है। इसी तरीके से पानी भी आसान रास्ता तय करता है, चुंबकीय धारा भी आसान रास्ता तय करती है, उसी तरह से चुंबकीय बल रेखाएं भी आसान रास्ता तय करती है। जैसे यहाँ पर आलपिनें रखी हुई हैं, यदि मैं यहाँ पर चुंबक लेके आता हूँ तो ये चुंबक जो है इन आलपिनों को आकर्षित कर लेता है, ये चुंबक इन आलपिनों को आकर्षित कर लेता है। परंतु इन चुंबकीय बल रेखाओं को यदि कोई रास्ता मिल जाए, जैसे मैंने चुंबक के यहाँ पर कीपर लगा दिया,
ये कीपर मैंने यहाँ लगा दिया, इसी तरीके से इधर भी एक कीपर लगा दिया, तो एन से जो बल रेखा निकली वो एस में चली गई, और एस एन से बल रेखा निकली वो एस में चली गई, एन से बल रेखा, इस तरह से बल रेखाएं आपस में यहीं जा रही हैं। तो इनको जो है आपस बल रेखाओं को एक आसान रास्ता मिल गया, तो ये जो है इधर उधर आप देखेंगे आल्पिनों को आकर्षित नहीं कर रही है, ये इन आल्पिनों को बिल्कुल भी आकर्षित नहीं कर रही, तो इसको हम कीपर कहते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं आसान रास्ता तय करती है, इसी तरीके से पानी भी आसान रास्ता तय करता है। पानी हमेशा जो है पहले ढलान की तरफ जाएगा, उसके बाद ही चढ़ाई की तरफ जाएगा। इसी तरह धारा भी छोटे से छोटा रास्ता तय करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जाती है, तो इसके लिए जो है हम बल रेखाओं को ज्ञात करने के लिए हम बुरादा ले लेते हैं। लोहे का बुरादा है और इस पे हम यहाँ जो है एक चुंबक रखते हैं, और फिर इसके बाद में हम इसको जब इस तरह से करते हैं तो हम देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं का एक रास्ता बन गया। लोहे का बुरादा जो है वो एक व्यवस्थित रूप से सेट हो गया, लोहे का बुरादा जो है एक व्यवस्थित रूप से सेट हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोहे का बुरादा जो है वो व्यवस्थित रूप से सेट हो गया। तो चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जाती हुई मानी गई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकल के एन से निकल के एस की तरफ जा रही है। सबसे अधिक चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों पर होता है, तो जब मैं ये आल्पिन यहाँ ले जाता हूँ तो इस जगह पर आल्पिन आकर्षित होती है, इस ध्रुव पर भी आल्पिन आकर्षित होती है, परंतु मैं यदि यहाँ बीच में ले जाता हूँ तो बीच में यहाँ पर आल्पिन आकर्षित नहीं हो रही। आल्पिन जो है या तो वो इस किनारे पर चली जाएगी या दूसरे किनारे पर चली जाती है। तो सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र जो है वो ध्रुवों पर होता है। चुंबक के बिल्कुल सेंटर में चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, जिसे हम मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। इसको साफ करो। चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, वो हमेशा तन्हे में रबड़ की तरह व्यवहार करती हैं। चुंबक को गिराने या गर्म करने पर या पीटने पर उसके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अब हम जो है एक ये चुंबक है, इस चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम देखते हैं कि कंपास ड्रिल से हम देखते हैं कि बल रेखा एन से एस की तरफ जाती मानी गई है। हम इस कंपास ड्रिल को देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ जाती है। इसी तरीके से इस तरफ भी सेम उसी तरीके से एन सिरे की तरफ आप देखिए, केसरी रंग जो है वो एन सिरे की तरफ जा रहा है, और काला रंग नीडल का जो है वो एस सिरे की तरफ है। काला रंग एस सिरे की तरफ है और केसरी रंग एन सिरे की तरफ है। तो कंपास नीडल का ये एस पोल है जो कि काला पोल एन पोल है, काला रंग की नीडल एल पोल है। अब हम हॉर्स शू चुंबक में भी देखते हैं कि हॉर्स शू में जो है बल रेखाएं जो है यहाँ से निकल के और इधर चली गई, यहाँ से निकल के इधर चली गई। इसके लिए हम छोटी कंपास नीडल को प्रयोग करते हैं। हॉर्स शू के लिए भी हम जो है बुरादे को लोहे का बुरादा डाल के हॉर्स शू पे भी जो है वो आकृति देख लेते हैं कि बल रेखाएं हॉर्स शू में किस तरह से रहती हैं।
हॉर्स शो में हमने देखा कि बल रेखाएं जो है वो ऐसे चली गई, यहाँ पर ऐसे चली गई, तो ये बल रेखा ऐसे घूम के, बाहर से घूम के ऐसे नहीं जाएगी, क्योंकि ये छोटे से छोटा रास्ता तय करती है चुंबक की बल रेखा। तो इस तरह से हमने जो है विभिन्न प्रकार के चुंबक देखे और उनके गुण और व्यवहार देखे।